वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नाउन कराए थे, उसके टाइप्स कराए थे और नाउन को अच्छे से डिफाइन भी किया था। आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो नाउन का एक टाइप है कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है, उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से जस्टिफाई करूँगी और उसके बहुत से एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके सामने ये लेकर तैयार हूँ। आप इसको अच्छे से करिए और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ऐसे जो कलेक्टिव नाउन्स के फिलअप्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप इसे पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए और आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आगे के लिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, फर्स्ट इज अ डैश ऑफ एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है ना, बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं, उनको हर्ड कहा जाता है। ओके, सेकेंड इज अ डैश ऑफ पिजन्स, फ्लोक। बर्ड्स का जो होता है, पिजन्स यानी कबूतरों का जो ग्रुप होता है, उसे फ्लोक कहा जाता है। थर्ड इज़ अ डैश ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं ना, जैसे मान लो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं या फिर कुछ भी, तो उसे पैक ऑफ कार्ड्स कहा जाता है। फोर्थ इज़ अ डैश ऑफ बीज, बीज यानी मधुमक्खियाँ भी हो सकती हैं, मक्खियाँ भी होती हैं, तो उनके ग्रुप को स्वार्म कहा जाता है, SWARM, स्वार्म। फिफ्थ इज़ अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों की होती है वो क्या होती है, कक्षा ही होती है ना, तो उसको क्लास बोला जाता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सिक्स्थ इज अ डैश ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी जो स्टिक्स होती हैं, छड़ियाँ होती हैं, उनका क्या होता है, गट्ठा ही होता है ना, और गट्ठे को हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। सेवन्थ इज अ डैश ऑफ शिप्स, जहाज होते हैं, जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। एट इज़ अ डैश ऑफ काउस, जो गायों का समूह होता है, हर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स होते हैं ना, तो उनको मोस्टली उनके ग्रुप्स को हम हर्ड ही बोलते हैं। जैसे एलिफेंट हो गया, वो भी एनिमल की कैटेगरी में है, और काउस है, वो भी एनिमल है, तो उनके ग्रुप्स को हम हर्ड ही बोलेंगे। ओके, नाइन्थ इज़ अ डैश ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स कौन होते हैं, चोरी करने वाले, ठीक है, तो उनका एक गैंग होता है, हमेशा कहते हैं ना, हमारे आसपास भी कई बार बातें होती है कि उनका एक गैंग है, कोई तो कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो जो चोरी करने वालों का होता है, उनका एक ग्रुप होता है जिसे हम गैंग बोलते हैं। ओके, टेंथ इज़ अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस होते हैं जो संगीत बजाने वाले, और जो भी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं या बजाते हैं, कोई भी हो, फ्लूट हो, हारमोनियम हो, तो वो म्यूजिशियंस होते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है उसको बैंड ऑफ म्यूजिशियंस भी कहते हैं, या फिर उनके पास जो सारा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो उनको बैंड भी, वो उसके बीच में म्यूजिशियंस भी आते हैं और उनका सामान भी आता है, तो ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहलाते हैं। ओके, इलेवेंथ इज़ अ डैश ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ओके, हर्ड, अब देखिए कैटल आ गए पशु, कैटल को पशु बोलते हैं, ठीक है, और एलिफेंट्स भी पशु हैं, काउस भी पशु हैं, ठीक है, तो वो हर्ड ही आएगा। ट्वेल्थ इज अ डैश ऑफ लायंस, शेरों का समूह। ओके, प्राइड बोलेंगे शेरों के समूह को। थर्टीन इज डैश ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, मतलब जहाँ लोग इकट्ठे होंगे उनका समूह बनेगा, और समूह को क्या बोलेंगे, क्राउड ऑफ पीपल। ओके, क्राउड वैसे भीड़ कहा जाता है क्राउड को। फोर्टीन इज अ डैश ऑफ एंट्स, कॉलोनी, ठीक है, एंट्स होती हैं, क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ एंट्स होती हैं, या चींटियाँ, ठीक है, चींटियाँ कॉलोनी होती है उनकी। जैसे आप देखो, आपने देखा होगा मोस्टली कि जैसे चलती है ना, तो एक कीड़ी के पीछे एक कीड़ी चलती है, एक चींटी के पीछे एक चींटी, ठीक है, क्योंकि वो चींटी जो चलते हुए कुछ ऐसा कुछ छोड़ती है जिससे पीछे वाले को संकेत मिलता है कि मुझे इसी रास्ते पर जाना है, ठीक है। तो एंट्स जो है उनकी एक कॉलोनी होती है और उनके ग्रुप को कॉलोनी बोला जाता है। फिफ्टीन इज अ डैश ऑफ फिश, फिश क्या होती है, मछली, मछली का के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्कूल ऑफ फिश। ओके, सिक्सटीन इज डैश ऑफ वॉल्स, पैक ऑफ वॉल्स। ओके, पैक ऑफ वॉल्स।
17th इज डैश ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं कौन से, किस किस के फेवरेट है ग्रेप्स, एंड विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, कमेंट करके बताएं। ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या होता है, बंच, ठीक है। अब जैसे आप देखिए कि हम केले लेते, बनानास लेते, उनका भी बंच होता है ना, एक वन दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उनका बंच बना हुआ होता है, गुच्छा बना हुआ होता है, बंच को गुच्छा बोलते हैं। तो ग्रेप्स का भी गुच्छा होता है ना, तो डैश ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। 18th इज डैश ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की क्या होती है, पार्टी, ओके। बहुत सारे दोस्तों के, दोस्त क्या, ये दोस्तों की पार्टी है, ठीक है। 19th इज अ डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है, टीम ही होती है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, ठीक है। 20th इज डैश ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होती है, सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ियाँ जब जहाँ से शुरू होती है ना, तो वो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है, उसको फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहा जाता है। 21st इज अ डैश ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं, तारे, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। 22 अ डैश ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय कहा जाता है लाइब्रेरी को, पुस्तकों का को रखने की जगह को लाइब्रेरी कहा जाता है, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी रखी जाती है, ठीक है। 23rd इज डैश ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ माउंटेन्स। 24th इज डैश ऑफ डांसर्स, मतलब कि नृत्य करने वालों का क्या होता है, ग्रुप। 25th इज डैश ऑफ राइस, अगर वहाँ राइस इकट्ठे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, अ बाउल ऑफ राइस, ऐसे कहेंगे, इतने सारे राइस या कुछ ऐसे नहीं कहेंगे, ये थोड़ा ओल्ड लैंग्वेज रखती है, डैश ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस, बॉल ऑफ राइस भी कह सकते हैं आप। 26th इज अ डैश ऑफ फ्रूट, फलों का टोकरा, ठीक है, बास्केट ऑफ फ्रूट। 27th इज अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 28th इज अ डैश ऑफ सिंगर्स, जो गाने वाले होते हैं, गीत गाने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, चॉर ऑफ सिंगर्स, ओके। 29th इज अ डैश ऑफ किंग्स, किंग्स राजा, ए लाइन ऑफ किंग्स। 30th इज अ डैश ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जंगल, जंगल भी होते हैं ना पेड़, तो बहुत सारे ग्रुप जो होते हैं, बहुत सारी मात्रा में जो होते हैं ट्रीज, वो जंगल में ही पाए जाते हैं। 31st इज अ डैश ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके। 32nd इज अ डैश ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, शूज तो दो ही होते हैं और पेयर का मतलब दो होता है, ठीक है, तो शूज़ का जोड़ा, पेयर को जोड़ा बोला जाता है। 33rd एंड लास्ट इज डैश ऑफ मैप्स, नक्शों का एटलस, ओके, ठीक है, जैसे एटलस ऑफ मैप्स, जैसे एक एटलस होता है, उसके ऊपर सारा मैप बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत से मैप्स होते हैं उसमें, ओके, तो उसे एटलस बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको जो मैं करवाती हूँ आपको अच्छे से समझ आता होगा, आप इसे बार बार रिपीट करके और अच्छे से लर्न कीजिए, तो आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप मैं जो करवाती हूँ आपको समझ अच्छे से आता होगा, और आप इस पर मेहनत कीजिए तो आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।